हे गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन बैक टू डीएनए व्लॉग्स। दिस इज दीपेन फ्रॉम पुणे और आज हम चेंज करेंगे ये 2018 डोमिनार जो है, दिस इज द ओडीसी डोमिनार। इसके बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, अविनाशी गाड़ी है, सो बहुत सारे तो नहीं रहेंगे, 3-4 रहेंगे। सो यू कैन हैव अ लुक एट व्हाट ऑल थिंग्स यू वांट, यू नो, सब चेंजेस क्या किए, एक्सेसरीज क्या किए, सीट कहाँ से किए, वो सब डिटेल्स उसमें हैं। तो ये वीडियो ऑफकोर्स इट्स गोना बी ऑन द रेयर ब्रेक पैड चेंज and I've already got the brake pads, these were purchased last year or something and stock mein pada tha, so I'm going to use these, mere 17 ke liye khareeda tha maine, to ye pade hue hain, to I'm going to use these only, first I thought I don't have them, then mil gaye, to I'm going to use this, zyada time nahi lagne wala isme, it is not going to be a very big video, we just have to unlock these two pins, yahan pe pin lock karne ke baad yahan pe ek dial pin bahar aayegi, वो बाहर आने के बाद दी पैड्स कैन बी स्लिप्ड आउट एट दी रेयर। ओके, नाउ ओनली इफ यू वांट टू ग्रीस दी कैलिपर पिन्स, सो दी कैलिपर हियर फ्लोट्स ऑन दी दी कैलिपर माउंट विद दी हेल्प ऑफ पिन्स विच आर इनसाइड दिस। नाउ दिस वर ऑलरेडी ल्यूब्ड लास्ट टाइम जब एसके पे किया था। यू कैन एंड हाउ टू डू दैट, यू कैन चेक वन ऑफ माई सर्विस वीडियोज एट एसके ऑटो, डोमिनार का सर्विस वीडियोज, सो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ल्यूब कैसे करना है, निकाल के कैसे क्लीन करके ग्रीस वगैरह करना है। आज हम वो सब नहीं करेंगे, वी हैव टू जस्ट डू अ वेरी क्विक ब्रेक पैड चेंज बिकॉज दिस इज हाउ दी ब्रेक पैड्स आर, यू लुक एट दी वेर एंड टेयर, यू नो, कुछ ऑलमोस्ट नथिंग बचा है, इट्स ऑलमोस्ट वर्न आउट। सो आई शो यू द डिफरेंस वंस आई रिमूव द पैड्स ना, कि नए वाले और पुराने वाले में कितना डिफरेंस है। आई रिमूव द पैड्स एंड शो इट टू यू। सो बिफोर आई डू ऑल द वर्क, जस्ट अ नोट, इफ यू लाइक द कंटेंट व्हाट आई एम गोना डू, कुछ भी पसंद आ जाए तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट ऑन माय चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, आई मीन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, यू गोना फाइंड लॉट ऑफ DIY वीडियोज, ट्रैवल व्लॉग्स, मोटो व्लॉग्स ऑन माय चैनल, रिव्यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, रिव्यूज ऑफ बाइक्स, कार्स एंड वॉट नॉट। ये थार का भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, टेकिंग डिलीवरी का, तो लेट्स बिगिन। सो यू कैन फर्स्ट टेक अ स्क्रू ड्राइवर एंड पुल दिस पिन्स आउट, आई नीड अ लॉन्गर स्क्रू ड्राइवर, ये निकल गया एंड ये दूसरा भी निकल गया, एंड देन यू नीड टू पुल दिस आउट, लेट मी गेट अ प्लायर। यूजुअली इफ यू गोइंग टू पुल दिस पिन्स आउट आफ्टर लॉन्ग, दे आर गोइंग टू बी रस्टेड फ्रॉम इनसाइड, सो यू कैन स्प्रे अ बिट ऑफ ब्रेक क्लीनर, आई एम यूजिंग दिस, आई पिक्ड इट अप फ्रॉम एसके ऑटो। WD-40 मत मारना, यू हैव टू यूज brake cleaner only because this is grease free and grease wala agar aapne kuch dal diya, oily kuch dal diya, to your brakes will stop working and oh sorry this comes on the other side, main bhool gaya, it comes out on the other side, so you can either push it from this side and baad mein haath se you can pull it from the other side। इसको लगाने से पहले हम वापस से क्लीन कर देंगे, इट इज़ ऑलमोस्ट डर्टी एंड रस्टी काइंड ऑफ स्टफ। तो अब निकालते हैं बाहर ब्रेक पैड्स। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द पिन, अभी इसको थोड़ा सा हम स्प्रे मार के, ब्रेक क्लीनर स्प्रे मार के क्लीन कर लेंगे एंड जस्ट वाइप इट ऑफ एंड आवर पिन इज रेडी, इट्स क्लीन ड्राई। And next we are going to check the brake pads. So these are the old brake pads and iska condition dekho. Okay, they used up almost. And let's check the new ones. Old ones main bike mein hi rakh dunga, emergency mein at least these will come used for, you know, few hundred kilometers. These are the new ones. Isko bhi kholo. And look at the size, look at the difference. ये देखो, they've been eaten up so much. So we'll now fix these new ones in the bike. ये निसिन के लग रहे हैं,
दिस इज बाइबर एंड दिस इज निसन। पार्ट नंबर इसका है DK151085238 MRP। सो ब्रेक पैड रेयर, आई थिंक दिस इज कॉमन फॉर NS वगैरह में, तो ये शायद उन्होंने मुझे निसन के इसके दे दिए, NS के वगैरह दे दिए, बट दीज वर्क फाइन एब्सोल्युटली बिकॉज आई हैव सीन सुशांत यूजिंग एट SK ऑटो। तो अब प्रिपेयर करते हैं इसको, बाइक को, टू फिक्स दी ब्रेक पैड्स इनसाइड द कैलिपर। नाउ बिफोर यू इंस्टॉल द न्यू पैड्स, ये जो आपको पिस्टन दिख रहा है दिस वन, ओके, यू नीड टू स्लोली 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 पुश इट इनसाइड। अंदर के पुश करना है उसको, बैक पुश करना है, पीछे की तरफ पुश करना है, विच विल मेक वे फॉर द न्यू थिकर पैड्स। नाउ सिंस द ओल्ड पैड्स हैड वोन आउट, दे वर लेस इन साइज, मतलब थिकनेस कम हो जाता है ग्रेजुअली, इट यू नो द विड्थ रिड्यूसेस, सो द पिस्टन कम्स आउट कम्प्लीटली। तो इफ यू ट्राई टू इंस्टॉल द न्यू पैड्स एज इट इज नॉट गोइंग टू गो इनसाइड। व्हाट यू हैव टू डू इज स्लोली 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 यू हैव टू पुश द पिस्टन बिहाइंड। योर ब्रेक ऑयल रिजर्वर में ऑयल लेवल विल गो अप बिकॉज पिस्टन्स हैव कम बिहाइंड, सो यू कैन लेटर ऑन चेक दैट ऑल्सो। इफ इट इज वे टू मच यू कैन रिमूव सर्टन ऑयल। ऑयल निकालने के लिए यू माइट हैव टू यूज नो स्पून काइंड ऑफ स्टफ, वेरी क्लीन एंड टाइडी, और अ स्मॉल पाइप विथ विच यू कैन साइफन इट आउट। ओके, सो नाउ आई हैव पुश्ड द ब्रेक द पिस्टन बिहाइंड एंड आई विल नाउ स्लाइड द न्यू पैड्स इनसाइड। नाउ व्हाइल पुटिंग द न्यू पैड्स इनसाइड, ये जो दिस नॉच, इट हैज टू गो अप, यू डोंट हैव टू कीप इट डाउन, ऐसे नीचे नहीं रहना चाहिए, यू हैव टू पुश इट इन द मैनर अप, ऐसे ऊपर जाना चाहिए, इट शुड गो अप लाइक दिस। सो व्हेन यू आर पुशिंग इट अप, ओके, व्हेन यू पुशिंग इट अप लाइक दिस, इट शुड कम आउट एट द टॉप। देयर इज अ नॉच ओवर हियर व्हिच यू कैन, देयर इज अ प्लेस ओवर हियर व्हिच यू कैन सी, राइट, ओके, नाउ यू कैन सी द नॉच आउट हियर बीच में, दिस इज द लेफ्ट साइड का ब्रेक पैड, इट इज कम अप एंड इट शुड गो अप, मतलब वाइल इंस्टॉलिंग इट शुड कम अप, पैड नीचे डाल के ऊपर आना चाहिए ऑन बोथ द साइड्स। एंड हियर्स द सेकेंड वन, फर्स्ट वन इज कम डाउन अगेन, सो मैच बोथ द पोजिशंस, ये होल शुड बी ऑल्सो मैच्ड and then put the pin inside. So I'll mount the camera on a tripod and then again show. Make sure both the pads are aligned properly vertically and this pin should slide in very easily. Okay, aaram se jana chahiye, it should not be very hard to push in or push out. Of course it is not going to go from this side, I'm just checking right now. Once you feel it is perfectly in place, then you have to push the pin from this side and it will come out from this side, like the same way you removed it. Now let me realign the tire a bit and then we'll do it. So I've pushed the tire back a bit and now the pin should easily slide in. If the pin gets stuck somewhere in between, that means the brake pads are not aligned, and don't proceed further, stop and inspect everything again right from the beginning. Once you feel the pin is in place, put your lock pins and it will be at two location. Where's my second lock pin? Let me search the little second lock pin first. And I found the second one also, and the second one would go here. So both your pins are in place and just check if the pad is not coming down from here. You can push it from top and check. You can use a screwdriver also to check if it is getting pushed down or not. This should not get pushed down, okay? If it doesn't go down, that means it is perfectly in its place. Now, before you start the bike, make sure you pump your brake again, because in the first instance, the lever will go down completely like this. So you'll have to keep pumping it. Okay, you'll have to keep pumping it. And after 5-6 times, you will see that the lever has come up. Now it is not going down completely. Once you do this, after this also, don't ride the bike immediately on the streets at high speed or something.
gradually take small accelerate like 10 meters or 20 meters, go ahead and then brake 10 meters, 20 meters. So you have to start the braking again till you get a firm feel of the, you get a good feedback of the brakes. सीधा गाड़ी भगाना नहीं है, सीधा ब्रेक्स यूज नहीं करना है. एंड अगेन वन पीस ऑफ एडवाइस, लाइक फॉर द फर्स्ट 500 किलोमीटर्स ऑफ मे बी फर्स्ट 200-300 किलोमीटर्स, डोंट स्पीड द बाइक टू मच, लेट द ब्रेक्स, द ब्रेक पैड्स एंड डिस्क सेटल टुगेदर, बिकॉज राइट नाउ द ब्रेक पैड्स विल हैव मार्क्स ऑफ द प्रीवियस ब्रेक पैड्स, द डिस्क विल हैव मार्क्स ऑफ द प्रीवियस ब्रेक पैड्स. So for the disc and the brake pads to mate, probably let us do at least 100-200 kilometers, or as much as you can, at least till 300-400-500 kilometers, and after that you will start getting a very good firm feedback of the rear brake also. So I've taken a small test ride and all looks good. Brakes are now, I can apply the brakes perfectly fine and all, lever is completely up, there bhi kuch bhi issue nahi hai. So I'll end the video here, and as usual, if you have any questions, put them in the comment section. I'll try to answer them at the earliest. And if you liked any part of this video, don't forget to hit the like button, and do consider subscribing to my channel if you like the content on my channel. And don't forget to share this video with Dominar friends who would interested in doing this DIY ghar pe agar karna chahenge koi, to it'll be useful for them. So thanks once again, and signing off for now. This is Dipen from Pune. See you until another new video from me. I look at people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, look almost your bright white. I'm a freak in the sheets, but I got